फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होली के कलर्स, जो कि घर में बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि होली के कलर्स घर में क्यों बनाना, मार्केट में तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है, तो इसे घर में क्यों बनाएं? फ्रेंड्स, शायद आप ये भूल रहे हैं कि बाहर का जो कलर्स होता है, जो मार्केट में कलर्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को, हमारे फेस को, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो लेकिन मैं आज जो आप लोग के साथ जो कलर्स शेयर करूँगी, वो बिल्कुल मतलब वो उसमें किसी भी तरह का मतलब केमिकल्स नहीं रहेगा, केमिकल्स युक्त है, जो कि आपके स्किन को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचाएगा। वेट गाइज, ये सारे कलर्स हैं जो कि मैंने खुद से बना के तैयार किया है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। ये कलर्स आप किसी भी बच्चे को, किसी भी बूढ़े को या किसी भी व्यक्ति को आप लगा सकते हैं, वो किसी भी तरह का हार्म जो है नहीं पहुंचाएगा। तो और बिल्कुल सस्ते में बन जाने वाली है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये होममेड तरीके से बना हुआ है। इसमें मैं दो जो बनाई हूँ वो कलर से बनाई हूँ और एक जो है मैं पाउडर से बनाई हूँ, वो आप लोग आगे देखेंगे ही कैसे बनाई हूँ। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने किचन जाती हूँ मैं अपने किचन में और वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल पूरा देखिएगा। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इको फ्रेंडली कलर बनाने के लिए मैंने लिया है दो अलग अलग तरह के कलर, दो अलग अलग कलर की डिब्बी है, उसमें एक ग्रीन कलर है और इस एक में ऑरेंज है। और मैंने ले लिया है दो बॉल, दो बॉल में मैं 4 चम्मच पानी भर के, मतलब 4 टेबल स्पून पानी मैं ऐड डालूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी एक में ऑरेंज कलर, अच्छे से डिज़ोल्व कर दूँगी। एक में ऑरेंज डाल दिया और दूसरे में मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और उसे भी अच्छे से मिला लूँगी। ये ना बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर डिज़ोल्व होने के बाद हो जाता है। उसके बाद मैं ली हूँ यहाँ पे गुलाब जल, जो कि इसमें ना आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। मैं ये हाफ डिब्बी जो है भर के इस दोनों में ऐड कर दी हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है अच्छा सा फ्रेग्रेंस आता है कलर में। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 100 ग्राम के लगभग, यहाँ पे मेरा कॉर्नफ्लोर है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, अरारोट भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो उससे बना सकते हो इजीली। और इसमें मैं 4 चम्मच भर के मैं डाल दी हूँ। मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब अच्छे से मिल जाता है और बिल्कुल ये चिकनी मिट्टी की तरह होता है। देखिए देखिए इसका कंसिस्टेंसी इस तरीके से दिखना चाहिए। बाद मैंने ग्रीन कलर में डाल दी हूँ, यहाँ पे मैं 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, मतलब जितना आप उसमें डालोगे उसके बाद मैं इसमें भी डाल दी हूँ उतना ही। उसके बाद आपको अगर कम लगेगा तो थोड़ा ऐड कर सकते हो और इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से घुल गया है और यहाँ पे बड़ी सी थाली मैंने ले लिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक
डाल दूंगी। आप सब्जी वाली जो प्लास्टिक आती है, सब्जी वाली जो पॉलिथीन होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे डालूंगी एक एक चम्मच करके। ये थोड़ा सा ना डालने के बाद ये थोड़ा स्प्रेड करेगा, बट घबराइएगा नहीं, वो बिल्कुल धूप में जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों कलर को मैं अच्छे से पॉलिथीन में डाल के अलग अलग थाली में, उसके बाद मैं इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दूंगी 2 घंटे में। मतलब अगर कड़ी धूप है ना तो वो बिल्कुल 2 घंटे में अच्छे से सूख जाएगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ टेलकम पाउडर से कलर, जो कि बहुत ही आसान है ये बनाना। इसे मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी और इसे मैं थोड़ा सा बॉल में इसे डाल लूँगी। दूसरे बॉल में मैं 4 चम्मच पानी, 3-4 चम्मच पानी मैं डाल के उसके बाद मैं येलो कलर इसमें मिक्स करके उस पाउडर में ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिलाऊँगी। ये चम्मच से बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे हाथ ही लगाना पड़ेगा। इसे मैं अच्छे से हाथ से मिला लूँगी। इसे अच्छे से हाथ से मिलाने के बाद इसे मैं एक प्लेट में डाल दूँगी अच्छे से सूखने के लिए, मतलब धूप में छोड़ देना है इसे सूखने के लिए। मुश्किल से आपको ये 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से सूख जाएगा। ये देखिए हमारा कलर सूख के बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको मिक्सर में डाल के इसे अच्छा सा ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा फाइन पाउडर बन चुका है। इसी तरीके से ऑरेंज कलर का भी बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारा इको फ्रेंडली कलर बन के तैयार हो गया और बिल्कुल सस्ते बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल आसान सा स्टेप है इसे बनाना, बहुत आसानी से बन जाता है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा और इस बार की होली आप इस ये कलर बना के ट्राई कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए अपनी होली, इंजॉय कीजिए। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया है, तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।